स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज मैं आप सभी के साथ भरमा भिंडी का रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए इस रेसिपी को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले भरमा भिंडी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने भिंडी लिया है। तो अब हम भिंडी के ऊपर और नीचे वाले हिस्से को थोड़ा थोड़ा सा काट लेंगे, बीच से चीरा लगा लेंगे ताकि इसके अंदर हमारा मसाला भर आ जाए। तो देखिए हमने सारे भिंडी काट लिए हैं। अब हम मसाला भरने की रेसिपी बताते हैं। ये पेस्ट अदरक लहसुन जीरा गोलकी का पेस्ट है जिसे मैंने पहले ही पीस के तैयार कर लिया था। इसमें मैंने एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाला है, चम्मच धनिया पाउडर है। अब मैं यहाँ पर एक चम्मच हल्दी डालूँगी, एक चम्मच गोलकी पाउडर डालूँगी, आधा चम्मच जीरा पाउडर डालूँगी और अब आखिरी में आधा चम्मच सब्जी मसाला डालूंगी। इसमें मैं स्वाद अनुसार नमक डालकर मिला लूंगी। यह हमारा मसाला अच्छे तरीके से मिल चुका है। अब हम इसे भिंडी में भरेंगे। तो देखिए हमने सारे भिंडी में मसाले भर दिए हैं। अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो हमने यहाँ कढ़ाई को गैस में चढ़ा दिया है भिंडी को फ्राई करने के लिए। हमारा कढ़ाई गर्म हो चुका है। अब हम इसमें तेल डालेंगे, तेल ज़्यादा नहीं डालेंगे। तेल भी हमारा गर्म हो चुका है। अब हम भिंडी को एक एक करके डाल देंगे। मैं सारे भिंडी को एक ही बार फ्राई करूंगी। तो देखिए हमारा भिंडी एक साइड से पक चुका था, इसे दूसरे साइड से हमने पलट दिया है। यहाँ पर हम भिंडी को ढक के पका रहे हैं ताकि भिंडी हमारा सॉफ्ट हो जाए। तो देखिए हमारा भिंडी पक चुका है, एकदम सॉफ्ट हुआ है। यहाँ पर हमारा भिंडी एक साइड से पका है, दूसरे साइड से भी पलट कर पका लेंगे। तो कैसी लगी आपको हमारी ये रेसिपी कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए हमारा भिंडी अच्छे तरीके से पक चुका है, अब हम इसे निकाल लेंगे। हमारे चैनल में आने के लिए आपका धन्यवाद।